हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेपअप आईएएस नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 तारीख है, 25 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, इंडियन एक्सप्रेस में एक दो आर्टिकल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इवन सिर्फ एक आर्टिकल है मेडिकल डिवाइस को जो रेगुलेट किया जा रहा है उसके ऊपर, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लाइव मिंट का आर्टिकल आज होगा हमारे पास, जो इकोनॉमी बेस्ड होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। और अभी जो रिसेंट नोबेल प्राइज़ दिया गया है उनका क्या कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कैसे चीज़ों को आगे मैनेज किया था, तो उन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं पूरे डिस्कशन में। और इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है वो पॉलिटिकल है, गांधी जी वाला जो आर्टिकल है उसमें आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, बट जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो ऑलमोस्ट पॉलिटिकल है। बताया जा रहा है कि कैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो जो हमारे नेशनल मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और हमारे एमिनेंट लीडर तब के जो हुआ करते थे उनको वो हाईलाइट कर रहे हैं, ये सारे इश्यूज को डिस्कस वहाँ पर किया गया है। इट वाज ऑलमोस्ट पॉलिटिकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल को, और सबसे पहला हम ऐसे राइटिंग से शुरुआत करेंगे। ऐसे राइटिंग आज का कोटेशन जो है वो पॉवर्टी पर बेस्ड है, गरीबी। जब आपको इस टॉपिक पर लिखने को आए तो आप इस कोटेशन का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोफी अन्नान जी का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा दैट एक्सट्रीम पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी एवरीवेयर। अगर एक लिमिट से ज़्यादा गरीबी हो जाएगी, पॉवर्टी एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा कहीं पे भी, तो वो ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाता है हर तरफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। जैसा कि अभी आप हालात जान रहे हैं, हंगर माल न्यूट्रिशन की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, और ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी को के लिए सिर्फ ये टेररिज्म या इकोनॉमी ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, बल्कि जो सोशल फैक्टर होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं सिक्योरिटी को। तो यहाँ पर पॉवर्टी भी उनमें से एक फैक्टर है, याद रखिएगा। और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है मेंस में। तो आगे बढ़ते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कोचिंग के बारे में है। नया बैच जस्ट स्टार्ट हो रहा है दिवाली के बाद, डिटेल आप पता कर सकते हैं। क्लासरूम में ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको दी जाती हैं, और ये फैसिलिटीज़ पर्सनल गाइडेंस में दिया जाता है। हालांकि जो बच्चे पूरे कोर्स में आते हैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको ये दोनों कोर्स कम्बाइंड तौर पर मिलता है, तो कोई एनसीईआरटी या कोई बेसिक्स पढ़ कर के आने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ आपके कोच होते हैं जो सारी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। डिटेल के लिए इस नंबर पर आप पता करें कि ये प्रोग्राम कैसे आपको मिल सकता है। कुछ ऑफर्स भी चल रहा है दिवाली के मौके पर, तो वो भी आप पता कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल, मेडिकल डिवाइस आर नॉट ड्रग्स। ये जो आर्टिकल है इसको हम जिस पेपर टू में हेल्थ से एसोसिएट कर सकते हैं, या जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है वहाँ पर भी एसोसिएट कर सकते हैं। देखते हैं आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले आर्टिकल में बात ये हो रही है कि अभी जो रेगुलेशन का काम चल रहा है, कहा जा रहा है कि सारे मेडिकल डिवाइसेस, ऑल मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट किया जाएगा, और उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेकर के आ रही है। ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहाँ से आ रहा है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा आ रहा है, तैयार किया जा रहा है, और विद इन 30 डेज ये फ्रेमवर्क आपके सामने होगा, जिसमें कि सारे मेडिकल डिवाइसेस को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो इस बात को इस आर्टिकल में सही नहीं ठहराया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं सही ठहराया जा रहा है, इसके बहुत सारे रीजंस पेश किए गए हैं, और एट प्रेजेंट यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है उसको फॉलो ना करते हुए मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट नए फ्रेमवर्क को लाने का फैसला किया है, और इसका एक बुरा इम्पैक्ट हो सकता है, जैसा कि हमने प्रीवियस केसेस में देखा हुआ है। एक हिप इम्प्लांट स्कैंडल केस आपने पढ़ा था, हमने डिस्कस भी किया था, जिसको जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के इसका इसमें फ्लॉप आया गया था, और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कई सारे देशों में इसके खिलाफ आवाज़ उठी थी, और हर जगह पर तो कंपनसेशन भी दिया गया जॉनसन जॉनसन कंपनी के द्वारा, लेकिन इंडिया में इन्होंने अपनी गलती को माना ही नहीं, और इसका केस इवन अभी भी चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। तो ये कह रहे हैं आर्टिकल में कि हम प्रीवियस जो चीज़ें हो चुकी हैं उससे सीख नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं, और पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर होता है उसको स्किप करके हम डायरेक्ट फ्रेमवर्क को ला रहे हैं, तो ये किस हद तक रेगुलेट कर पाएगा अगर आप पूरे ऑल मेडिकल डिवाइसेस को रेगुलेट करना चाहते हैं। तो नया फ्रेमवर्क जो है 2017 में पहली बार लाया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसके तहत मेडिकल डिवाइस रूल 2017 को नोटिफाई किया गया था।
कि इसमें ओनली अ फ्यू मेडिकल डिवाइसेस वर नोटिफाइड एज ड्रग्स. उस समय में कुछ ऐसे मेडिकल डिवाइसेस थे जिसको कि रेगुलेट करने की बात चली थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. तो गवर्नमेंट का ये जो अनाउंसमेंट है ये एक थ्रेट पैदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एमआरआई मशीन्स से लेकर के हर एक जो भी मशीनरीज होती हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट में इस्तेमाल की जाते हैं उन सभी को इसमें शामिल कर लिया जाएगा. नाउ दिस अटेम्प्ट टू डिलिबरेटली रेट्रोफिट मेडिकल डिवाइसेस इनटू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विल लीड टू अ टूथलेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डिवाइस. क्यों इसको गलत ठहराया जा रहा है? कहा जा रहा है कि जब ये फ्रेमवर्क लाया जाएगा तो ये इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को टूथलेस बना देगा. मतलब मैकेनिज्म तो होगा लेकिन उसका आप कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्रीज के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि वो किसी ऑफेंस के खिलाफ पेनल्टी तय कर सके. ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में होता है, जब प्रॉपर लॉ बनता है, कानून बनता है, तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ अगर ये ऑफेंस हुआ या इस रूल को नहीं माना गया तो उसके लिए ये सजा या फिर ये फाइन का प्रावधान रखा जाएगा. लेकिन किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा लाए हुए फ्रेमवर्क में ये जो पेनल्टी है उसको नहीं इंश्योर किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा लूप होल होगा इस मेडिकल डिवाइस रूल का जो 2017 को आगे एक्सटेंड किया जा रहा है, जिसमें कि सारे मेडिकल डिवाइसेस को एज अ ड्रग कंसीडर करके रेगुलेट करने की अथॉरिटी दे दी जाएगी. यहाँ पर थोड़ा सा प्रीवियस डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेकेंड शेड्यूल की बात कर रहे हैं. सेकेंड शेड्यूल में क्या मेंशन्ड है? देखिए, इसमें सेकेंड शेड्यूल जो है वो लीगली बाइंडिंग स्टैंडर्ड्स है दैट रिकॉग्नाइज्ड इन सेकेंड शेड्यूल. जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसका सेकेंड शेड्यूल जो है वो लीगली बाइंडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है. किसी भी सेकेंड शेड्यूल के रूल को इसमें शामिल नहीं किया गया है एंड करंट प्रपोजल इज अडॉप्टेड विल बी सिमिलर टू व्हाट सी विद द स्टैंडर्ड्स ड्रग. तो जो कंपनीज होती हैं दैट मेक डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, अब उनको काउंटर कैसे किया जाएगा? बिकॉज मैन्युफैक्चरर को तो इसमें शामिल किया नहीं जा रहा है. तो अगर कोई ऐसा डिफेक्टिव पीस वो बनाते हैं या उनकी कोई गलती होती है, क्योंकि कई बार फॉरेन मार्केट से चीज़ों को इम्पोर्ट किया जाता है, परचेज किया जाता है, तो ऐसे में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा तो इट विल नॉट वर्क एज जो गवर्नमेंट चाहती है. आगे बताया जा रहा है कि और क्या क्या रीजंस हैं. तो एक रीज़न पॉलिटिकल विल को बताया जा रहा है. और देखिए, किसी भी तरीके के फ्रेमवर्क की जब आप बात करते हैं या फिर स्कीम्स पॉलिसीज की बात करते हैं तो वहाँ पर ये फैक्ट तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि पॉलिटिकल विल, अब आपको दोनों ही टर्म में पॉलिटिकल विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी हो सकता है और पॉलिटिकल विल की वजह से कोई काम अच्छा हो सकता है. क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकिंग्स में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी सिस्टम को रेगुलेट करने में. एज़ फार एज़ मेडिकल डिवाइसेज आर कंसर्न्ड तो ये लोगों के हेल्थ से सीधा जुड़ता है. जैसा हमने केस देखा हुआ है, हिप इम्प्लांट केस जो हुआ था, उसमें जितना जो फॉरेन कंपनीज थी उसने यहाँ पर फ़ायदा उठाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और अब जो लोगों की डिमांड्स हैं उसको वो मान नहीं रहे गिल्टी साबित होने पर भी. तो ऐसे इवेंट बार बार ना दोहराए जाएं. और इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? पॉलिटिकल लीडर्स के पास है जो कि लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके पास है कि वो एक बेटर रेगुलेशंस को तैयार करें. उसमें जो मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी शामिल किया जाए, सब स्टैंडर्ड्स तैयार किए जाएं, जो उसको आगे भेजते हैं, प्रमोट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए. एंड द मिनिस्ट्री कैन प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर एंड द सेल ऑफ सर्टेन मेडिकल डिवाइसेस अंडर सेक्शन 26A और कैंसिल द लाइसेंस टू प्रिवेंट फ्यूचर हार्म. तो यहाँ पर मिनिस्ट्री क्या काम कर सकती है? सेक्शन 26A के तहत चाहे तो जो वो प्रोडक्ट बनाया गया उसको सेल करने से रोक सकती है या इवन मैन्युफैक्चरर्स के लाइसेंस को भी सीज कर सकती है. तो अब यहाँ पे अब सारी बातें इंटेंशन पर हो जाएंगी कि क्या वो ऐसा करना चाहते हैं, क्या पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया जाएगा. लेकिन अगर कोई प्रॉपर रूल रहेगा, अगर कोई प्रॉपर नॉर्म्स रहेंगे, पेनल्टीज फिक्स रहेंगी, तो किसी के इंटेंशन पर बात नहीं रहेगी, फिर वो चीज़ें जो है वो कट टू कट रहेंगी. दूसरा रीज़न बताया जा रहा है दैट इट इज़ अ क्वाइट क्लियर दैट मिनिस्ट्री हैज़ नॉट लर्नड एनी लेसन. कहा जा रहा है कि जो प्रीवियस स्कैंडल हुआ या इतना डेबेटेबल इश्यूज हुआ उससे मिनिस्ट्री ने कुछ सीखा नहीं है, ये आर्टिकल में बताया जा रहा है. इससे क्लियर कट ये साबित होता है.
और इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ेगा कि एक तो लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाया उस केस में जो प्रीवियस केस था, और अगर आगे भी ऐसी कोई दिक्कत होती है जैसे कि लोग जो पेशेंट्स थे जिन्होंने सर्जरी करवाई वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनको उसका कोई खामियाजा जो कंपनी उसने नहीं भुगताया, उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया, तो आगे चल करके अगर मैन्युफैक्चरर्स किसी डिफेक्टिव डिवाइसेस को सोल्ड करते हैं, अब वो डायरेक्ट पेशेंट के पास तो बेचते नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाते नहीं तो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो अगर मैन्युफैक्चरर किसी डिफेक्टिव पीसेस को बेच देते हैं तो उससे पेशेंट का नुकसान होगा, लेकिन पेशेंट डायरेक्ट उस मैन्युफैक्चरर के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो ये दूसरा रीज़न है जो कि इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को टूथलेस साबित कर रहा है। अब यहाँ पे नुकसान किसका होने वाला है? पेशेंट का होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है और प्रॉपर सॉल्यूशन इसके लिए दिया जाए, ग्रांट किया जाए। उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ऐसे कोई भी प्रोविजन नहीं है जहाँ पर लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके, और अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो गवर्नमेंट जा करके उनके राइट्स को पेशेंट को नहीं बताएगी, यानी कि अल्टीमेटली नुकसान पेशेंट का होने वाला है। मेडिकल डिवाइसेस जिसका इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो रिवॉल्यूशन ला सकते हैं पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में, लेकिन तब भी ये जो हिप इम्प्लांट स्कैंडल्स हैं वो भारत में इवन और भी जगह पर हुए, और इसका डार्क साइड देखने को मिला इंडस्ट्रीज़ का, ये जो कंपनीज़ ये इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस प्रोवाइड करती हैं उनका। और तब भी अगर ऐसा कोई प्रपोज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आता है जो टीथलेस होता है जिसमें कि कोई ताकत नहीं होगी, तो इससे पूरा जो इंडस्ट्री है मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और इसके बाद जो लोग हैं उनका और भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो कहा यही जा रहा है कि मेडिकल डिवाइस आर नॉट ड्रग्स, ये ड्रग्स नहीं है, और ऐसे में इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अच्छा बनाया जाना चाहिए खास करके इन कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस के लिए, और ये अभी इस वक्त की आवश्यकता है। इंडस्ट्रीज़ को इतना ज़्यादा अथॉरिटी ना दिया जाए, उनको रेगुलेट करने के नए तरीके ढूंढे जाएं कि कैसे उनको रेगुलेट किया जाए और लोगों की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है व्हाई वी नीड बेटर प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में एसोसिएट कर देंगे। अच्छा आर्टिकल है, लाइव मिंट का आर्टिकल है, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो सिटीज़ हैं और इवन अगर पूरे इंडिया की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो अभी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन सिटीज़ खास करके डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, वहाँ पर म्यूनिसिपल रेवेन्यू और जो रिसोर्सेस हैं वो एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है रेवेन्यू का, रेवेन्यू को जनरेट करने का। ठीक है, मतलब जो ये प्रॉपर्टी टैक्स है अगर उसको सही तरीके से लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू कलेक्शन का, और यही यहाँ पर सजेशंस दिए जा रहे हैं। कुछ सजेशंस दिए गए हैं, वो क्या क्या हैं? तो कहा जा रहा है कि जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको इंक्रीज़ किया जाए और बेहतर बनाया जाए, खास करके अर्बन लोकल बॉडीज़ और म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स में, जो ये सिटीज़ हैं जहाँ शहर में जो घर हैं उनमें प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम को अच्छा किया जाए, इससे टैक्स कलेक्शन को और एक्सपेंड किया जा सकता है और सिटी के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। कहाँ की बात हो रही है? शहर की बात हो रही है। शहर में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं उनके अंतर्गत आने वाले जो घर हैं वहाँ पर अगर सही तरीके से टैक्स का कलेक्शन किया गया तो उस टैक्स का इस्तेमाल कहाँ पर होगा? सिटी के डेवलपमेंट में होगा, ये सुझाव दिया जा रहा है। तो प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? प्रॉपर्टी टैक्स कभी भी जब लगाया जाएगा तो वो ओनरशिप पर लगाया जाता है, जो रियल प्रॉपर्टी है, जैसे आपका जो अपना घर होता है उस पर आपको टैक्स देना होता है, तो इट इज़ लेवीड ऑन द ओनरशिप ऑफ एनी रियल प्रॉपर्टी, और इसी को बोला जाता है प्रॉपर्टी टैक्स। इसका इंडिया में खास करके बहुत मिसयूज़ है, या इस सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर असेसमेंट नहीं होता, इनएफिशिएंट कलेक्शन होता है, और कई जगह पर तो इस लोग एग्जेम्प्ट कर देते हैं, कई तरीके से टैक्स को बचा लिया जाता है। तो इस तरीके से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके पास प्रॉपर इनकम नहीं आ पाता, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता, और इससे सिटी के डेवलपमेंट में वो खर्च नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, कि इसका एक प्रॉपर सिस्टम तैयार किया जाए खास करके अर्बन लोकल बॉडीज़ में, जो टैक्सेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनके अंतर्गत आते हैं वो उसको इम्पोज करें वहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम को, एंड ओनली 37% ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस कलेक्टेड। अभी तक जो एस्टिमेट हुआ है वो सिर्फ 37% तक प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जाता है।
उसमें से 11% 10% जो है वो लोग एग्जम्प्ट कर जाते हैं, वो देते ही नहीं हैं। एंड द अर्बन प्रॉपर्टीज़ इन अबाउट 11% ऑफ द एक्सेस्ट प्रॉपर्टीज़। तो जितना प्रॉपर्टीज़ है उसमें से लोग काफ़ी ज़्यादा एग्जम्प्ट कर लेते हैं, और जो कलेक्ट हो पाता है वो सिर्फ 37% रह जाता है। सो इंडिया लैग्स बिहाइंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में इंडिया बहुत पीछे है, इसीलिए इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। 0.2% है मात्र GDP का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक फैक्ट है, इसको आप लिख सकते हैं कि ऑथर्स कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली जो इंडिया में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन होता है वो मात्र 0.2% होता है GDP का। और अगर US कनाडा की बात करें तो वो 3% से लेकर के 4% तक कलेक्ट करते हैं अपने प्रॉपर्टी टैक्स का। तो इसका मतलब क्या है, भारत में इसको अच्छे से रेगुलेट करने की ज़रूरत है। एंड सजेस्ट दैट द इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव द वे सिटी वैल्यू प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सपेंड द टैक्स बेस को भी बढ़ाया जाना चाहिए, टैक्स कलेक्शन सिस्टम को भी अच्छा करना चाहिए, तभी जा करके ये और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएगा। एंड जो डिजिटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अभी आ रहा है न्यूज़ में, उसको लाना बहुत ज़रूरी है। अगर रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, बिलिंग वगैरह जो है वो सब कुछ डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा, तो रिफॉर्म को लाना ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा, तो पेमेंट सिस्टम को भी और अच्छा कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स जो आर्टिकल था काफ़ी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है द एफर्ट टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज, इकोनॉमी, हर जगह पर ये आप ऐड कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उसी सिस्टम की, जिस सिस्टम की वजह से नोबेल प्राइज दिया गया भारत के अभिजीत बैनर्जी, एस्थर ड्यूफ्लो और माइकल क्रेमर को, जो कि भारत के नहीं हैं। तो यहाँ पर तीन लोगों को नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स से नवाजा गया, और किस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक बहुत अच्छा अप्रोच ढूंढा ग्लोबल लेवल पर पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए, मतलब गरीबी को हटाने के लिए RCTs, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये इन इकोनॉमिस्ट ने बताया, और इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो इसी पॉवर्टी एलिवेशन पर हम बात करने जा रहे हैं इस आर्टिकल में। आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ये जो ट्रायल सिस्टम है, देखिए आपको इस ट्रायल सिस्टम का थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। RCTs के अंतर्गत क्या होता है, एक रेंडमाइज्ड अप्रोच होता है, इसमें दो ग्रुप के लोग होते हैं जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है किसी भी नए चीज़ों को लाने के लिए। जब मार्केट में आप किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेम एज किसी नए स्कीम को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप छोटे से ग्रुप पर पहले उसका एक्सपेरिमेंट करें, उस पर ट्रायल करें, रैंडम तरीके से ट्रायल करें, और फिर जो उसका इफ़ेक्टिव रिजल्ट आपको दिखता है उसके बेसिस पर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो स्कीम लाया जा रहा है, जो पॉलिसी है, ये जो जो भी चीज़ है, मेडिकल डिवाइस है, इसका आगे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो अभी तक इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंसेज में बहुत ज़्यादा होता आ रहा था, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का इस्तेमाल, और अब इकोनॉमिक्स में भी दो दशकों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। क्या क्या अप्रोच होते हैं इसमें, एक तो होता है देयर अप्रोच, मेथडोलॉजी एंड द इम्पैक्ट ऑन द पॉलिसी, ये तीनों चीज़ें पता चलती हैं इस ट्रायल के अंतर्गत। तो यहाँ पर बात हो रही है पॉवर्टी की, ये जो पॉवर्टी है, गरीबी है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इस पर कैसे ट्रायल किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा कैसा सिस्टम होता है, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इसमें बैकग्राउंड में छुपा होता है, पॉवर्टी, गरीबी के बैकग्राउंड में। तो अगर हमें ग्लोबल लेवल पर पॉवर्टी को सॉल्व करना हो, ख़त्म करना हो, इरेडिकेट करना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। किन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पॉलिसीज़ आती हैं, इंटरवेंशंस होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसका पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इंडिविजुअल्स पर या फिर हाउसहोल्ड्स पर, और फिर हम वहाँ से उस अप्रोच का पता करेंगे कि ये जो अप्रोच है ये सही है या फिर नहीं है, फिर मेथडोलॉजी पर जाएंगे और फिर उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो भारत चीन की अगर बात करें तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, और इसमें जो RCT है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। यहाँ पर सर्वे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है अगर हम भारत की बात करें तो, जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, नरेगा है, मिड डे मील स्कीम है, ये जो सारे स्कीम्स को लाया गया तो ये RCT बेस्ड अप्रोच से ना ला करके, बल्कि हमने इसको पॉलिटिकल तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, भारत में इम्प्लीमेंट किया। तो अगर हम इन पॉलिसीज़ में RCTs को ऐड कर दें,
तो पॉलिसी कितना सही है या इस पॉलिसी इंटरवेंशन से कितना फ़ायदा हो जाएगा ये हमें पता लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, जो तीसरे इकोनॉमिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्रैमर, उन्होंने केन्या में एक एक्सपेरिमेंट किया था एक स्कूल में, और स्कूल में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे आप यहाँ मिड डे मील की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये देखा कि स्कूल में बच्चे का क्या उद्देश्य है, स्कूल खोलने का क्या उद्देश्य है, पर्पस क्या है, टू एजुकेट द चिल्ड्रन, बच्चों को शिक्षित करना मेन उद्देश्य होता है स्कूल खोलने का। वहाँ पर हम बच्चों को खाना खिलाने के लिए नहीं लेकर जाते, या वहाँ पर हम शिक्षक के एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कूल नहीं खोलते, हम स्कूल इसलिए खोलते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर पाएँ। नाउ उन्होंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये किया कि आखिर किस चीज़ से, कौन सी स्कीम से वहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। तो एक ऐसा ही मिड डे मील की स्कीम की तरह एक वहाँ पर स्कीम चलाया गया, तो और कुछ बच्चों को किताबें दी गई, कुछ बच्चों को अलग चीज़ें दी गई, तो इस तरीके के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में ये पता किया गया कि किस चीज़ का, कौन सी पॉलिसी का एक बेहतर रिजल्ट सामने आ रहा है, और फिर उस पॉलिसी को आगे इस्तेमाल किया जाएगा पॉलिसी मेकिंग में। तो यही एग्जैक्टली है आरसीटीज, जिसका कि इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है पॉवर्टी एलिवेशन वाले एस्पेक्ट पर। इनका कहना है कि भारत में सर्वे किया जाता है, विलेज में सर्वे होता है, माइक्रो लेवल पर स्टडीज़ किए जाते हैं, रिसर्च किया जाता है, और फिर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ऐसे में अगर हम RCTs का इस्तेमाल करते हैं इन फूड सिक्योरिटीज़ को प्रोवाइड करने में, या उसको और बेटर डिज़ाइनिंग देने में, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। नाउ एट अ टाइम व्हेन इंडिया इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, आपको पता है इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ नहीं मिल रहा बहुत ज़्यादा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कमी हो गई है, खर्चे लोग नहीं कर रहे हैं बिकॉज इनकम नहीं है, तो ऑल एविडेंस पॉइंट टू एन इंक्रीज इन डिप्रीवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, तो ये सारी चीज़ों को अपने साथ ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो लेकर के आ रहा है। एंड एविडेंस आर क्रूशियल इज नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी बट ऑल्सो फाइंडिंग द पाथवे टू लिफ्ट मिलियंस आउट ऑफ इट। हमें देखना पड़ेगा कि सिर्फ गरीबी ही नहीं बल्कि हम कैसे इतने सारे लोगों को इस पूरी स्थिति से, इस विशेष साइकिल से बाहर निकाल पाएँ, इसके लिए जो सही अप्रोच है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, थैंक यू।